विंटर के मौसम के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव फेस मास्क मैं आपसे शेयर करूंगी, जो कि आपकी स्किन को ब्राइट भी रखेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ करेगा, प्लस किसी भी तरह के अगर मार्क्स हैं पिंपल के या एक्ने के उन्हें भी फेड करेगा। सबसे पहले हमें चाहिए एक ग्लास या फिर सेरेमिक बोल, क्योंकि यहाँ मैं बल्क में बना के रखने वाली हूँ। देन यहाँ हम ऐड करेंगे सबसे पहला इन्ग्रीडियंट, विच इज़ संतरे के छिलके का पाउडर। घर पर बना सकते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने रेडीमेड यूज़ किया है, कहाँ से लिया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। देन अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है चंदन पाउडर, यानी कि सैंडलवुड पाउडर। प्योर फॉर्म में आप लेंगे तो अच्छा रहेगा। सब चीज़ों का जो ना लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। अगेन पूरा एक चम्मच भर के मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ बेसन, यानी कि चने की दाल का पाउडर, जो बहुत ही अच्छा है, एक नेचुरल स्क्रबर का काम करेगा आपकी स्किन के लिए, डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देगा। तो ये भी पूरा एक चम्मच भर के यहाँ हम बोल में ऐड कर देंगे। ये जो क्वांटिटी है ये पूरे एक हफ्ते या आप कह लें 10 दिन के लिए इनफ है, तो इसे आप बना के फ्रिज में स्टोर कर लें और बार बार इसे आप यूज़ करते जाएं। यहाँ ऐड कर रही हूँ मैं ऑलमोस्ट 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस। अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी संतरे के छिलके का पाउडर भी है, विटामिन सी से रिच है, एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है, स्किन पे जो स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है उसे फेड करता है। देन यहाँ ऐड करेंगे हम एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र, जो कि है हनी, यानी कि शहद। पूरा 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पर ऐड करूँगी शहद। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इसके बाद आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच दही ऐड कर सकते हो। अगर ऑयली एक्ने प्रोन पिंपल प्रोन स्किन है तो आप उसमें दूध या फिर पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और उसके बाद इसको हम एक अच्छे से पेस्ट की फॉर्म में, जैसे फेस मास्क होता है ना, बिल्कुल वैसे एक पेस्ट की फॉर्म में हम इसे रेडी कर लेंगे। मिक्स करते जाएं, ध्यान रहे कोई भी लम्प्स ना हो। आप चाहें तो यहाँ दूध ऐड करें, जैसे कि मैंने मेंशन किया ऑयली स्किन वाले लोग, और अगर ड्राई है तो दही भी ऐड कर सकते हैं या प्लेन पानी या रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। संतरे के छिलके का पाउडर एक स्किन ब्राइटनिंग एजेंट है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, पिंपल्स के मार्क्स को फेड करता है, पिगमेंटेशन को फेड करता है। देन चंदन पाउडर स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है, ब्लैकहेड्स एंड पिंपल्स को सुखाता भी है। बेसन नेचुरल स्क्रब का काम करेगा, लेमन जूस एक नेचुरल ब्लीच का काम करेगा, और शहद नेचुरली मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। याद रहे कि फेस पैक लगाने से पहले अपना फेस अच्छे से फेस वॉश से धो लें, साफ हो आपका फेस। उसके बाद नीचे से ऊपर और अंदर से बाहर की डायरेक्शन में आपको ये मास्क लगाना है, अच्छी मोटी लेयर लगा दें। और मैं कहूँगी कि दोपहर के टाइम में लगाएं, जहाँ जब यू नो धूप होती है, अच्छा मौसम, गर्माहट रहती है, क्योंकि सर्दियों में फेस मास्क लगा के बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बचेगा उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 10 दिन के लिए। उसके बाद जब ये 90% सूख जाए, पानी से धो के अपना नेचुरल जो भी आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो वो लगा लो। ये रेमेडी, ये जो पैक है, आप हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हो, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है, आपकी स्किन को नहीं सुखाता है। इसके बाद ध्यान रहे कि मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये सिंपल सी छोटी सी रेमेडी, जो टाइम भी नहीं लेगी, एक बार बनाओ और 10 दिन तक आप इसे यूज़ करो। चाहे आप इसको 4 से 5 बार भी रिपीट कर सकते हो, अगर वेदर आपके यहाँ का अप्रोप्रिएट है तो। आई होप यू लाइक इट। रेमेडी पसंद आए तो प्लीज़ यार शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करूँगी और अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मैं लेकर आऊँ अपने चैनल पर आपके लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।